टॉपिक है मोल्डिंग सैंड्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मोल्डिंग मटेरियल क्या होता है। अ मोल्डिंग मटेरियल हैज टू एनवलप द कास्टिंग। द हीट विच इज लिबरेटेड फ्रॉम द कास्टिंग हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय पासिंग थ्रू द मोल्डिंग मटेरियल। मोल्डिंग मटेरियल क्या है, उसको कास्टिंग को एनवलप करना रहता है और जो कास्टिंग में से जो हीट निकलने वाली है उसको एक्सट्रैक्ट करके पास कहाँ से होगा, वो मोल्डिंग मटेरियल से ही पास होता है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द मोल्डिंग मटेरियल मस्ट बी द वन विच पासिस ऑल द हीट ऑफ द कास्टिंग थ्रू इट। तो मोल्डिंग मटेरियल जो भी एक्स वाई जेड हम यूज करने वाले हैं तो प्राइमरीली उसका क्या फंक्शन होना चाहिए, उसको सारी के सारी हीट जो कास्टिंग से हमारी इमिट हो रही है उसको पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको पूरा अपने में से पास कर सके वो मोल्डिंग मटेरियल। तो हमारे पास कौन से तरीके के मोल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, सैंड होता है, मेटल्स एंड अलॉयज, प्लास्टर, सिरामिक, ग्रेफाइट एंड रबर। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मटेरियल्स। फिर आता है हमारा, इनके छोटे छोटे से प्रॉपर्टी देख लेते हैं इन बुलेट्स। हीट ट्रांसफर थ्रू सैंड इज लेस। जो हमारा सैंड मोल्ड मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें से हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है। मेटल्स एंड अलॉयज हैव बेटर कंडक्टिविटी देन सैंड। इन केस ऑफ अगर हम मेटल और अलॉयज यूज कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी सैंड के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। मेटल्स एंड अलॉयज कैन बी यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट इज मेड ऑन रिपीटेटिव बेसिस और मास प्रोडक्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल और अलॉयज हम तभी यूज करेंगे जब हमारा मास प्रोडक्शन होने वाला हो या फिर रिपीटेटिव बेसिस और प्रोडक्ट की हमारी सुपीरियर क्वालिटी होने वाली है, लाइक फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा प्लास्टर। प्लास्टर हैज़ गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इट सेट्स क्विकली, टेक्स लेस टाइम फॉर मोल्ड प्रिपरेशन। ये तो गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, जल्दी सेट हो जाता है और लेस टाइम लेता है मोल्ड प्रिपरेशन के लिए। सिरामिक इज सेम एज प्लास्टर बट हैज सर्टन क्वालिटीज लाइक गुड फिनिश। प्लास्टर की तरह ही है सिरामिक, लेकिन इसके लिए इसमें एक अच्छी क्वालिटी जैसे गुड फिनिश टाइप। फिर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गिव्स गुड सर्फिस फिनिश। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और सर्फिस फिनिश अच्छी देता है। और रबर कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज हम यूज कर रहे हैं। देन कम्स मोल्डिंग सैंड। सबसे पहले आता है हमारा मोल्डिंग सैंड। तो मेजर प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग इन सैंड मोल्ड जो होता है वो हमारा मोल्डिंग सैंड से ही होता है। कास्टिंग में जो मेजर प्रोडक्शन है वो सैंड मोल्ड से ही होता है। फिर है वन टन ऑफ कास्टिंग में रिक्वायर 4 to 5 tons ऑफ मोल्डिंग सैंड। अगर हम एक टन का कास्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 to 5 tons का मोल्डिंग सैंड का रिक्वायरमेंट होगा। The sand ratio may vary from 10:1 or 0.25:1 depending upon the type and size of casting and molding method employed. कौन से टाइप का हम कास्टिंग बनाने वाले हैं और कौन सा मोल्डिंग मेथड हम यूज करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमारा सैंड टू मेटल रेशियो यहाँ पर डिफर करता है। सैंड ग्रैनुलर पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। सैंड क्या होता है हमारा, ये ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं जो रॉक्स के टूटने पर बने हैं, जिनको बहुत साल लगे हैं। मोस्ट कॉमन सैंड इज सिलिका सैंड। हाईली प्योरिटी सिलिका सैंड है, सिंटरिंग टेम्परेचर ऑफ 1700 degrees centigrade। जो सबसे कॉमन सैंड है वो हमारी सिलिका सैंड होती है। शेप ऑफ ग्रेन्स इफेक्ट द फ्लोएबिलिटी, परमेबिलिटी एंड कॉम्पैक्टेबिलिटी ऑफ सैंड। तो उसके जो ग्रेन्स हैं सैंड के और उसका जो शेप है वो क्या क्या इफेक्ट करने वाला है, फ्लोएबिलिटी, परमेबिलिटी एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंड।